बुलेटिन का आगाज करांगे इस वक्त की वड्डी खबर दे नाल। परमपाल कौर हाल ही विच जिन्होंने आईएएस अहुदे तो अस्तीफा दिता सी बीजेपी विच शामिल हो गए ने तां भाजपा विच शामिल हो सकते ने, यह पहला तो चर्चा हो रही सी क्योंकि सिकंदर सिंह मलूका दे नू ने ते परमपाल कौर ने बीजेपी का पल्ला फड़ लिया। तो इतने दस दईए परमपाल कौर ने बीजेपी का पल्ला फड़ लिया। परमपाल कौर ने हाल ही दे विच अस्तीफा दिता सी, आईएएस अहुदे तो अस्तीफा दिता सी। इत्थे हुणे जो चर्चावां ने बठिंडा तो भाजपा दे उम्मीदवार हो सकते ने परमपाल कौर, तां तो तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो ये अज शामिल होए ने। परमपाल कौर ने बीजेपी का पल्ला फड़ लिया, बीजेपी विच शामिल हो गए ने परमपाल कौर। तो बीजेपी विच परमपाल कौर शामिल हो गए ने, हाल ही दे विच अस्तीफा दिता सी परमपाल कौर ने। तो ये चर्चावां पिछले कुछ दिनों तो चल रही सन कि 2024 दे चोणां तो पहला जिस तरह के नाल दल बदली का दौर चल रहा है, तो सिकंदर सिंह मलूका उन्होंने पुत्र ते उन्होंने नूं बीजेपी विच शामिल हो सकते ने। पर फिलहाल इस समय का जो अपडेट है सिकंदर सिंह मलूका दे नू इस समय ते बीजेपी विच शामिल हो चुके ने, ते हो सकता है कि बठिंडा तो उम्मीदवार भी बीजेपी दे हो सकते ने। ते पूरे मालवा खेतर विच इस दे नाल काफ़ी चेंजेस भी देखने नू मिलेंगे क्योंकि एक चंगी पकड़ है बुढ़लाडा विच बीडीपीओ मानसा विच पेंडू विकास ते पंचायत अफसर रहे ने। तो ये उस समय दियाँ तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हां जदों परमपाल कौर बीजेपी विच शामिल होए ने। तो जेकर परमपाल कौर की गल की जाए तो बठिंडा ते मानसा नाल गहरा लगा है उन्हां दा, बुढ़लाडा विच बीडीपीओ मानसा रहे ने, पेंडू विकास ते पंचायत अफसर रहे ने, बठिंडा विच एडीसी जनरल रहे ने, ते सिक्ख्या विभाग पंजाब विच डीजीएमसी ते इस तों इलावा फूड सप्लाई विभाग विच कई सेवावां निभा चुके ने। पंचायतां व्यापारियां मजदूरां दुकानदारां मुलाजम हर वर्ग नाल इन्हां दा एक जो पकड़ है वह बेहद चंगी है। तो उत्थे ही ये दस दईए कि इन्हां दे पति जिला परिषद बठिंडा दे सबका चेयरमैन भी रह चुके ने गुरप्रीत सिंह, ते हुण समाज सेवा नाल भी पहलां तों ही जुड़े हुए। जिस तरह के नाल अस्तीफा दिता गया तो सियासी गलियारियां दे विच चर्चा पहला तो ही सी कि सियासत विच आ सकते ने, तो बीजेपी विच आए ने परमपाल कौर। तो अज सीनियर लीडरशिप बीजेपी दी ये जो तस्वीरां सामने आईयां ने जिन्होंने शामिल करवाया परमपाल कौर बीजेपी विच शामिल हो चुके ने। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की यात्रा में कई ताकतवर यात्री जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। उसके पूर्व मैं विपक्ष के सभी नेताओं को ये पूछना चाहता हूं कि अभी विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है कि बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। देश चाहता है कि आतंकवादी मरे, देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया है। और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो आरजेडी की मिसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है, केरल में हमारे उम्मीदवार वी मुरलीधरन जी के काफिले पे
हमले किए जा रहे हैं और साथ ही साथ केरल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 80 अघोषित बैंक खाते हैं, जिसकी अभी संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने छुपाया, जिसकी जांच चुनाव आयोग ने करनी चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष किसी भी तरह से एनडीए को 400 पार रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके हर प्रयास में कोई ना कोई सीटें एनडीए की बढ़ती नजर आ रही है और ज्यादा होते हुए नजर आ रही है। और इसलिए मेरा राहुल गांधी और घमंडिया अलायंस को यह सवाल है, क्या आतंकवादियों को आप मारना चाहेंगे या नहीं? क्या आप भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजना चाहेंगे या नहीं? और क्या अपने बैंकों के अकाउंट्स की जानकारी आप देना चाहेंगे या नहीं? इसका जवाब घमंडिया के नेताओं ने देना बहुत जरूरी है। आज जैसे अभी संजय मयूर जी ने कहा कि रोहन गुप्ता जी जो कांग्रेस के आईटी और सोशल मीडिया के चेयरमैन रहे हैं, काफी वर्षों से सब सोशल मीडिया आईटी कांग्रेस का संभाल रहे थे, नेशनल स्पोक्सपर्सन थे, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, ऐसे कांग्रेस की अलग अलग जिम्मेवारियां राष्ट्रीय स्तर पर संभालने के बाद, फिर कर्नाटक चुनाव के समय वो मीडिया इंचार्ज, तेलंगाना में वॉर रूम इंचार्ज, ऐसी कई सफल जिम्मेवारियां संभालने के बाद आज रोहन जी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी और आने वाली सरकार में बहुत अच्छी तरह हम कर पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। डॉक्टर जहानजेब सिरवाल वेटरनरी डॉक्टर है, यूथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन रहे हैं, लोकसभा कोऑर्डिनेटर रहे हैं उधमपुर लोकसभा के। पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते इनका कई बार हमने एनालिसिस देखा है, सुना है। विशेषकर जो नैरेटिव्स, पब्लिक ओपिनियंस कांग्रेस पार्टी करती रही प्रयास, उसमें उनका योगदान भी रहा। ऐसे डॉक्टर जहानजेब सिरवाल जी जो कश्मीर के रहने वाले हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रवेश हो रहा है, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग जो आज की और है, उसमें परमपाल कौर जी जो आईएएस अफसर रही है, पंजाब में प्रशासनिक सेवा में अच्छा योगदान दिया है, भूतपूर्व अकाली दल के मंत्री रहे सिकंदर सिंह मलुका जी की बहू है, उनके साथ बठिंडा के जिला परिषद के चेयरमैन उनके पति, उन्होंने भी अभी पार्टी ज्वाइन की है। और मुझे लगता है कि परमपाल कौर जी का आना, उनके पति का बीजेपी में आना, ये एक अलग ताकत पंजाब भाजपा को, पंजाब में जो विकसित भारत, विकसित पंजाब का चित्र हमको निर्माण करना है, उसमें उनका बड़ा
योगदान होगा, उन दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं। और सिविल सर्विस छोड़कर फील्ड में आने का जो निर्णय परमपाल कौर दीदी ने किया है उसके लिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं और दोनों का मन से स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन है, कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता रह चुके प्रखर वक्ता रोहन गुप्ता जी से आपको संबोधित करें। मेरे सारे पत्रकार मित्र यहाँ पे उपस्थित, विनोद जी, हरदीप जी, हमारे साथी संजय जी और बाकी मेरे साथी मित्र, आज नवरात्रि के पावन अवसर पर तीसरे दिन भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ, गौरवान्वित हूँ। और एक युवा होने के नाते जो मोदी जी का विजन 2047, नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा बीजेपी परिवार जो विजन, उनका जो सपना है देश के लिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं दिल में हुआ कि हमको भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। और किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना सिर्फ देश के लिए कुछ करने की भावना है दिल में, उस नाते आज यहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ हूँ। और विश्वास दिलाता हूँ, हमेशा ईमानदारी से 15 साल तक जो भी जहाँ पे मैं था, जो काम मुझे दिया गया, दिल से काम किया, कहीं दिमाग नहीं लगाया। जो भी हुआ पास्ट में मैं नहीं जाना चाहूँगा, अब नई इनिंग आज शुरू कर रहा हूँ पॉजिटिविटी से। जो भी काम दिया जाएगा देश की विजन के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, वो काम मैं दिल से करूँगा। साथ ही कई सवाल ये आते हैं कि 15 साल, और मेरे पिताजी 40 साल से कांग्रेस पार्टी में थे, हर बार सवाल उठाए जाते थे, हम भी प्रवक्ता थे, हम भी उठाते थे। पर जब आदमी खुद उस चीज में से निकलता है तब ये होता है कि सिर्फ लालच से आदमी नहीं छोड़ता है, जब स्वाभिमान की बात आती है। हम जैसे लोग राजनीति में कुछ लेने नहीं आए, हम सेवा करने आए। मैं सालों से, बचपन से आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने खुद ने मेरा बिजनेस किया, एक परिवार से हूँ, एक व्यापारी परिवार से हूँ। कभी किसी की ये हिम्मत नहीं है कि कह जाए कि चवन्नी भी पॉलिटिक्स से, कभी हमने वो अपेक्षा नहीं रखी कि कुछ कुछ ना कुछ देना है, पार्टी को कुछ देना है। और 40 साल से मेरे पिताजी हो या 15 साल से मैं हूँ, ये सब लोग जानते हैं, जो भी हमारे करीबी हैं, कुछ अपेक्षा के बिना पार्टी में दिल से काम किया। पर जब ये लगने लगा कि एक ऐसी पार्टी जो विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, और विचारधारा के दो मुख्य बिंदु, कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के दो मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो, ये हर हर भारतीय के दिल में है। जब ये लगने लगा लास्ट 1.5 साल से कि दोनों मुद्दों पे जो पार्टी की मुख्य, जो ओरिजिनल विचारधारा थी उससे बिल्कुल भटकने की बात चलेगी, लेफ्टिस्ट की तरफ चलेगी, हम भी प्रवक्ता थे, हम भी कई बार डिफेंड करते थे, आज मैं सैनिक था, करता था, पर मन से दुख होता था कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा विश्वसनीयता नहीं रहेगी, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लास्ट 1.5-2 साल में, मैं किसी आज व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं करूंगा, पर जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, एक मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है, जो हमारे एक है, जो थे कम्युनिटी, जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जुड़ा क्या? जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए? इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आज देश के सामने आप जाते, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस ईवीएम के कारण आप 2 चुनाव जीते हैं, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे कितने विरोधाभास है? मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हो। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब आप? आप सीएए की बात कर रहे हैं, वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं। कल एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं, हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा दे, कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। सो ऐसे इतने एग्जाम्पल के, जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा कैसे देश आप पे भरोसा करेगा? और आपकी गाड़ी पीछे के मिरर में देख के नहीं चला सकते हैं, आपको फ्रंट देखना पड़ेगा। कौन सा विजन है?
आज जब मोदी जी बात करके 2047 में हाइड्रोजन मिशन की बात करें, वंदे भारत की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, कौन सा विजन? मैं भी युवा हूं, मैं यहां पे राजनीति में कुछ देने के लिए आया हूं। अगर विजन ही नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी एक चुनाव नहीं लड़ा, अगर वो पार्टी का विजन तय करेंगे तो यह हाल होगा। तो विनम्रता से मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी में, जिस पार्टी ने 15 साल मुझे मौका दिया, मैं नहीं करूंगा। पर कहीं ना कहीं जो दिशा विहीनता के कारण, जो उनकी विश्वसनीयता चली गई है विरोधाभास के कारण, उसके आज ये मैं निर्णय ले रहा हूं। बात खत्म, नेगेटिव बात नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, दिल से निभाएंगे, दिमाग से निभाएंगे, और राष्ट्र निर्माण में जो भी योगदान होगा, एक भारत देश के नागरिक के नाते ये योगदान, युवा होने के नाते दिल से इस योगदान को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा निवेदन है श्रीमती परमपाल कौर जी से, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व अधिकारी रह चुकी हैं, संबोधित करें। मैं धन्यवाद करती हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी श्री जेपी नड्डा जी का, श्री बीएल संतोष जी ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का, श्री हरदीप सिंह पुरी जी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जी का, श्री विनोद तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, श्री विजय रूपानी जी इंचार्ज पंजाब बीजेपी, श्री सुनील जाखड़ जी प्रेसिडेंट बीजेपी पंजाब, और श्री श्री निवासलु जी संगठन मंत्री जी पंजाब और चंडीगढ़। इन सब की प्रेरणा से ही मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं और मेरे पति दोनों इकट्ठे ही आज बीजेपी में आ रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल करियर इससे पहले नहीं रहा, मैं प्रशासनिक सेवा से हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अब शुरुआत करने जा रही थी अपने पॉलिटिकल करियर की, तो मैंने सारी पार्टियों को देख लिया। मतलब सारी पार्टियों को देख के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ रही हूँ, तो मेरा मानना यही था कि हमें बेस्ट पार्टी ही चुननी चाहिए। तो पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, बीजेपी के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है, और जो भी महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए, और जो आने वाला प्रोग्राम है बीजेपी का अगले सालों में, अगले 2047 तक, जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का, उन सबसे प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, ताकि उसमें मैं भी अपना कोई ना कुछ योगदान डाल सकूँ। मुझे किसी और पार्टी का कोई खास भविष्य भी नहीं नज़र आता, और उनका कोई विजन भी नहीं नज़र आता कि वो, उनका विजन कुछ चुनाव जीतना हो सकता है, जिसमें भी वो लगता है कि किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके आसपास भी वो नहीं है। लेकिन इन ये जो नीतियां हैं बीजेपी की, वो बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब हम अगर देखें कि भारत का, छोटी सी बात है कि भारत का पासपोर्ट जो है दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी देश नहीं रहेगा जो इंडिया को वीज़ा फ्री, इंडियन पासपोर्ट को वीज़ा फ्री ना करे। तो इन सब को देख के मुझे लगता है कि भी इससे ज़्यादा हो भी क्या सकता है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें बीजेपी ने काम नहीं किया, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर तरह, हर फील्ड में काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, और इन सब से प्रभावित होकर अपने देश का भविष्य सुंदर और अच्छा बीजेपी के हाथों में देखकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए, और बीजेपी के मंत्रीगण और इंचार्ज श्री विजय रूपानी जी का, जिन्होंने आज मुझे पार्टी में शामिल कराया है, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ राजनेता और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके डॉक्टर जहांगीर सिरवा जी से आग्रह होगा, आप संबोधित करें। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का, हरदीप पुरी जी का, विनोद जी का,
हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी का, देवेंद्र सिंह राणा जी का और सुनील शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं पहले तो अपनी तरफ से और कश्मीर की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। कश्मीर को हमेशा देश का मुकुट कहा जाता था, पर इस मुकुट को 70 साल सर की बजाय हवा में लटकाने का काम किया गया और 5 अगस्त 2019 को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस मुकुट को असल तरीके से सर पर बिठाने का काम किया। मैं उस जनरेशन में से आता हूं जिन्होंने 90 का वो काला दशक देखा। हमारे यहां जून में स्कूल बंद हुआ करते थे, छुट्टियां इसलिए मनाई जाती थी क्योंकि हड़तालों का सीजन आने वाला होता था। कहा जाता था कि पत्थरबाजी का सीजन आने वाला है, अब कहीं बाहर चलते हैं। इन सभी चीजों पर रोक लगाना, कश्मीर की एक नई तस्वीर देश और विदेश में दिखाने का, बनाने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, वो सबसे बड़ी प्रेरणा है मुझ जैसे युवा के लिए और कई सारे उन युवाओं के लिए जो कश्मीर में अभी तक हकीकतन जमहूरियत के साथ, लोकतंत्र के साथ, डेमोक्रेसी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले जो राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ा करते थे वो राजनीतिक दल कम, पॉलिटिकल ब्रोकर्स ज्यादा हुआ करते थे। उस पॉलिटिकल ब्रोकरेज पर पूरे का पूरा अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे वहां भी अलायंस हुआ, अब्दुल्ला परिवार के छोटे मियां साहब कश्मीर में एक बार बोले कि अगर मुझे यह मालूम होता कि इस अलायंस में आके मुझे सीट शेयरिंग करनी है तो शायद मैं सीट शेयरिंग करता ही नहीं। आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई जाके उनसे ये पूछे कि राजनीतिक दल में सीट शेयरिंग नहीं करनी थी तो क्या वाईफाई का पासवर्ड शेयर करना था? इस तरह के डकोसले, इस तरह की बातें, ये सारा नैरेटिव अब बंद हो चुका है। विपक्ष को ईवीएम की बजाय अपने दफ्तर में बैठी हुई पीवीएम, पार्टी वैनिशिंग मशीन पे काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम के मामले में बांधने की बजाय भारतीय जनता पार्टी से ईडब्ल्यूएम यानी इलेक्टोरल वर्किंग मशीनरी की तरह काम करना सीखना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर यह बता दूं कि मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि जनसेवा, जनकल्याण, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण का एक आंदोलन है जिस आंदोलन का एक मजबूत सिपाही बनकर मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण तक काम करता रहूंगा। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। मेरा विनम्र निवेदन भटिंडा के जिला परिषद अध्यक्ष महोदय से होगा आपको संबोधित करना। आज के ऐतिहासिक दिन पर लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बीजेपी में ज्वाइन कराने के लिए ਤਾਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।